स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया जोन में। दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने Facebook फ्रेंड को अनफ्रेंड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका Facebook फ्रेंड आपके फोटो चाहे वीडियो पर कमेंट करता है गलत गलत, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप चाहते हैं उस फ्रेंड को अनफ्रेंड करना, तो आज के हमारे इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि मैं आप सभी को आज किस वीडियो में बताया हूँ कि किस तरह से अपना फेसबुक फ्रेंड को अनफ्रेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने फ्रेंड को अनफ्रेंड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही जो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके, साथ उस घंटी वाला आइकन पर क्लिक करके आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे फेसबुक ऐप को ओपन कर देना है। तो चलिए मैं अपना फेसबुक ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते सेकेंड में आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड का, तो आपको फ्रेंड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं योर फ्रेंड का वो ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको योर फ्रेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जैसे कि दोस्तों आप इनमें से कोई भी फ्रेंड, जैसे कि आपको जो फ्रेंड आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है, आपको गलत गलत कमेंट कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है उस फ्रेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए मैं उस फ्रेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अनफॉलो कर देना है। तो चलिए अनफॉलो वाला बटन पर क्लिक कर दिया हूँ। और क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर फ्रेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद नीचे देखोगे तो अनफ्रेंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो कि ऐड फ्रेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि ये फ्रेंड मेरे फेसबुक फ्रेंड से हट चुका है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने किसी फेसबुक फ्रेंड को हटा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो लेकर।